सलाम, मैं दीशान गाजी, आप सबका स्वागत है सारा अधिकार में। बीती रात 3:30 बजे कफ परेड अम्बेडकर नगर में लाइट चली गई। गर्मी का तापमान बहुत ज़्यादा है, लोगों ने इंतज़ार किया मगर BST के अधिकारी लाइट रिपेयर करने के काम में लग गए। लोग गर्मी से बेहाल, बस इस उम्मीद पर सुबह तक इंतज़ार करते रहे लेकिन लाइट का काम नहीं हुआ। अधिकारी भी गड्ढा खोदने और लाइट की वायर जोड़ने का काम करते रहे। सुबह के 10 बज गए, महिलाएँ घर से बाहर आ गई, बच्चे घर से बाहर आ गए लेकिन लाइट का कोई पता नहीं। दोपहर के 3 बज गए और सूत्रों के हवाले से पता चला कि लोगों की हालत इस गर्मी में लाइट ना होने की वजह से बहुत खस्ता होती जा रही है। लोग गर्मी से बेहद परेशान दिखे। सबसे पहले और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात, मुंबई ऐतिहासिक रूप से टाटा पावर जैसी निजी उपयोगिताओं द्वारा संचालित रही है। निगम बनाम राज्य संचालित बिजली आपूर्ति बहस भारत के बिजली क्षेत्र के संघर्ष के केंद्र में है, जबकि निजी खिलाड़ी अपनी लागत वसूलने और कुशलतापूर्वक संचालन के लिए ग्राहकों से अधिक कीमत वसूलने के लिए स्वतंत्र है। राज्य उपयोगिताएं राजनीति से बाधित है। ये कोई रहस्य नहीं है कि राजनेताओं के लिए ग्रामीण इलाकों में बड़े पैमाने पर मतदान करने वाली आबादी को मुफ्त या भारी सब्सिडी वाली बिजली की पेशकश करना कई चुनावी घोषणा पत्रों का हिस्सा है। देश की आर्थिक राजधानी होने के कारण मुंबई में बिजली की कटौती अपेक्षाकृत कम या लगभग ना के बराबर होती है और होनी चाहिए, लेकिन मुंबई के पॉश एरिया में से कफ परेड और उसमें ये एरिया जो कि स्लम डेवलपिंग एरिया है, कफ परेड अंबेडकर नगर, यहाँ पर पिछले 12 घंटों से बिजली का कोई अता पता नहीं। पहले कुछ दशकों में MMR का विस्तार होने के कारण बिजली की खपत में बेतहाशा वृद्धि हुई है। MMR में महावितरण, टाटा पावर, अडानी पावर और बेस्ट उपक्रम जैसी कंपनियां आपूर्ति करती है। करीब 1200 मेगावाट टाटा पावर और 500 मेगावाट बिजली का उत्पादन अडानी पावर करता है। करीब 2300 मेगावाट बिजली की व्यवस्था बाहर से होती है। इस तरह MMR के लिए 4000 मेगावाट की व्यवस्था है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन्हीं गतिशाली व्यवस्था होने के कारण बिजली की रिपेयरिंग क्यों नहीं हो पा रही है। आपको बता दें, कल 3:00 बजे से लेकर अब 10:00 बज गए हैं लेकिन बिजली का नाम और निशान नहीं। सहारा अधिकार की टीम फौरन BST उपकर्मियों के पास पहुंची। उनका कहना था कि वायर नहीं मिलने के कारण रिपेयर चल रहा है। BST इलेक्ट्रिक सप्लाई को फौरन सूचित किया गया। वहां के अधिकारी ने कंप्लेंट ली, कंप्लेंट नंबर दिया गया मगर उससे काम नहीं बना। उस अधिकारी को हमने फिर से फ़ोन करके पूछा, उसके बाद आश्वासन मिला और उसने हमें 2 नंबर्स दिए और उनसे बात करने के लिए कहा। उस दोनों नंबर्स पर हमने काफ़ी कोशिश उनसे जवाब तलब करने की। उनसे कहा गया कि 12 घंटे से अधिक हो चुके हैं लेकिन बिजली का कोई पता नहीं। वहां से भी सिर्फ आश्वासन मिला। इस एरिया में बीती रात मीटर में आग लग गई जिसे किसी तरह काबू में किया गया। अब सवाल उठता है कि रिपेयर ना होने के कारण अगर फिर से कुछ हादसा हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। यहाँ की जनता काफ़ी गरीब है, हर महीने बिजली का बिल भरने के लिए पैसा जुटाने जिनके लिए मुश्किल हो जाता है, लेकिन किसी तरह एक परिवार को गर्मी से बचाने के लिए माँ बाप हर महीने बिजली का बिल वक्त पर भरते हैं। गरीबी का स्तर नीचा होने के बावजूद पैसा कमाना इनके लिए मुश्किल है, लेकिन फिर भी गरीब अपने मकान में पंखे की हवा, खाने के लिए, रात को आराम से सोने के लिए बिजली विभाग में हर महीने बिल भरते हैं। बिजली ना होने के कारण बच्चों को रोता हुआ देखा गया। लोग घर के बाहर बैठकर उसके आने का इंतज़ार कर रहे हैं। लोग गर्मी को किसी तरह बर्दाश्त कर रहे और अपना वक्त मोबाइल फ़ोन, व्हाट्सएप और यूट्यूब देखकर गुजार रहे हैं और बस इसी इंतज़ार में है कि बिजली कब आएगी। अब देखना यह है कि BST इस पर कैसे काम करती है और लोगों को बिजली कैसे मुहैया करवाई जाती है। मैं दीशान काजी, सारा अधिकार। हेलो दर्शकों, आप सबका स्वागत है सहारा अधिकार न्यूज़ चैनल में। इस वक्त हम कफ परेड अंबेडकर नगर में उपस्थित है, जहां पर आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिसिटी फेलियर के वजह से कल रात से 3:30 बजे से लेकर आज शाम के 6 बजने आ गए हैं। ये काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। काफ़ी बार BST हाउस में और जनरल मैनेजर से लेकर काफ़ी अधिकारियों को कंप्लेंट दिया गया, काफ़ी सारे लोगों की तरफ से शिकायतें की गई,
इस वक्त मेरे हाथ में ये शिकायत किया हुआ नंबर है जो BST पोलिंग से हमें मिला है, और निचले स्तर के अधिकारी से लेकर उच्चतम स्तर के अधिकारियों तक लगातार फ़ोन कॉल किए गए, लगातार बातें की जा रही है, लेकिन बातों में कोई महत्व नहीं दिख रहा। और अधिकारियों से पूछने पर उनका कहना है कि ये फिटिंग का कुछ प्रॉब्लम है और इसके अंदर जो वायर है वो फिट नहीं हो रहा है, लेकिन कोई भी नतीजतन जवाब नहीं मिल रहा है, जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी इन्हें दी जानी चाहिए। इसके कारण यहाँ के रहवासी काफ़ी परेशान हो चुके हैं। यहाँ के जो कॉरपोरेटर है और मेम्बर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली राहुल नार्वेकर जी है, उन्हें भी काफ़ी सारी शिकायतें करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन आप देख सकते हो अभी तक कि काम कल रात से सिर्फ होने की बातें हो रही है, लेकिन इन रियल टर्म्स में वी आर नॉट गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। और यहाँ पे काफ़ी आप देख सकते हो डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज है, बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जो काफ़ी ह्यूमिडिटी के कारण काफ़ी तकलीफों से गुजर रहे हैं। आप देख सकते हो कि मुंबई का क्लाइमेट जो है वो इट्स ऑन अ वेरी हाई राइज एंड इट इज़ इन ह्यूमिड टेम्परेचर ऑल्सो, उसके वजह से लाइट ना होने के कारण बहुत ही आधुनिक तरीके से परेशानियाँ हो रही है। लेकिन हम लगातार BST ऑफिस के जनरल मैनेजर, कंट्रोल रूम्स और BST बिल के ऊपर के सारे नंबर्स को कॉल कर चुके हैं, लेकिन कोई भी सेटिस्फैक्ट्री आंसर वहाँ से अभी तक नहीं आया, सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, बातें हो रही है। सर क्या कहना चाहोगे, कल से काफ़ी अधिक जनता परेशान हो गई, 3:30 बजे से लाइट गई, अभी तक BST ने इस चीज़ को हल नहीं किया है, और जो अधिकारी यहाँ पे परिश्रम कर रहे हैं 4 घंटे से, इनका कहना है कि केबल का वायर इनको मिल नहीं रहा है, जो कि मीटर काफ़ी पुराना हो चुका है, यहाँ कल रात को ब्लास्ट होने के कारण सबकी लाइट जा चुकी थी, लेकिन अभी तक BST अधिकारी ने अपना पूरा काम किया नहीं है, एक दूसरे के ऊपर थोप रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे, अभी तक आपने कितनी कंप्लेन की BST को, उसकी जानकारी दीजिए। अभी तक हमने सुबह जब से 3 बजे सुबह में गए, लाइट चली गई, उसके बाद में हमने एक बार कॉल किया, उसके बाद में सुबह में 5 बजे के बाद में वापस इलेक्ट्रिक ऑफिसर लोग इधर विजिट किए, वर्कर्स जो कोई भी थे विजिट किए, विजिट करने के बाद में इधर आए, देखे कहाँ क्या फॉल्ट है वो सब देखे, सब हमने ये बॉक्स के जहाँ जहाँ लाइट कनेक्शन किया हुआ है वो बॉक्स के पास भी मैंने गया, उन लोग को लेके गया था, देखे, उसके बाद में ठीक है ऐसे ऐसे बाद में आएंगे, दूसरे ग्रुप आएंगे ऐसा बोले, और वो लोग चले गए देख के, उसके बाद में दूसरे लोग भी आ गए, तो हम लोग सुबह से दिन भर बहुत परेशानी में थे, क्योंकि धूप भी इतनी पड़ रही थी, छोटे छोटे बच्चे सब किस्म के लोग बच्चे लोग हैं, महिलाएं हैं, तो और इतनी गर्मी पड़ रही है, वो वजह से हम लोग काफ़ी तकलीफ में हैं, और हम आप BST अधिकारी से मैं निवेदन करता हूं कि जितनी जल्दी हो सके इन पर कार्यवाही शुरू की जाए और बहाल की जाए लाइट। धन्यवाद। सॉल्व करने के लिए लगातार मांगे की जा रही है कि मीटर को तुरंत रिप्लेस किया जाए, क्योंकि वंस इट इज़ बीन डैमेज, कल रात में ये डैमेज हो गया था आग लगने के वजह से, तो राइट नाउ इट इज़ नॉट सेफ, लेकिन इंस्पाइट ऑफ रेगुलर कंप्लेंट्स इस मीटर को लेकर भी इस पर कोई एक्शन अभी तक नहीं लिया गया।